असलम नाज़रीन, सेम प्लेस जो आके आपकी मनपसंद प्लेस है और वो आपको कैनेडा की इमिग्रेशन की मालूम देती हैं और वो कौन हैं, सिमा मीर साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं और बगैर किसी टाइम ज़ाया किए मैं आज स्टूडेंट के बारे में इनसे सवाल करूँगा यानी अगर कोई बंदा आउट ऑफ कैनेडा है और वो स्टडी वीज़ा के ऊपर कैनेडा में आना चाहता है स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये सेगमेंट बहुत इम्पोटेंट है आप ज़रूर सुनिए इसको और पूरा सुनिएगा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन और आपके लैंग्वेज ले, ले, प्रोफेशनसी है और आप कनाडा आना चाहते हैं तो मैं सिमाब साहबा से पूछूंगा कि क्या ईजीएस वे हैं जी सिमाब जी सिमा कैसी हैं जी मैं बड़ी जबरदस्त इन हमारे पास जी इनपुट आ रही है आपके इंटरव्यू सुन के लोग हमारे पास जो है क्यूरीज भेज रहे हैं और वो क्यूरीज डायरेक्टली मैं आपके पास लेके आऊँगा आज की जो क्यूरीज हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के स्टडी वीजा के हवाले से हैं तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो कनेडा स्टडी के लिए आना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती एक दूसरी हमारे पाकिस्तान में मौजूद जो दो नंबर जैसे मैं कहूँगा जो के बने हुए हैं जो ही नहीं है, वो उनके पैसे खा जाते हैं उनका नहीं करते बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं क्या ईजीएसट वे है क्या प्री रिक्वेज हैं स्टूडेंट वीजा लेने के लिए कनेडा का आप जरा बताइए हमारे क्लाइंट्स को जी, मान. अच्छा, के लिए जो है ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर ए, मतलब ऐसे कि जो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती है इवन तो कि ये दूसरे कंट्री से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है कैनेडा एजुकेशन वाइज लेकिन जो रिटर्न है ना उसका उसका जो मुकाबला है वो किसी और कंट्री के साथ नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका मेन फोकस गोल क्या होता है एक तो ऑब्वियसली एजुकेशन हासिल करना कैरियर ग्रोथ वो तो होता ही है लेकिन दूसरा उनका मेन गोल होता है परमानेंट पर्मनें, होना तो परमानेंट होने की जो ऑप्शन कैनेडा आपको ईजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है ना वो कोई और मुल्क नहीं करता आ, लोग यू भी जाते हैं अमेरिका जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग डिसपॉइंट होके वापस आ जाटल नहीं हो सेटल नहीं हो पाते तो कैनेडा इस मामले में बहुत लीनेंट है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा मैं सवाल का सवाल स्टार्ट करता हूँ सीमा आप ये बताएं पाकिस्तान में बैठा हुआ एक रॉ आदमी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस हर उस आम आदमी के लिए जिसके पास कंसल्टेंट को फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है तो आप ये प्रोग्राम ज़रूर सुने आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो कैसे कि सिम आपको ये क्लाइंट जिसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट uh, है या ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है और वो कनाडा आना चाहता है ईजीएस तरीके से बताएं कि वो कनाडा कैसे आ सकता है इजी तो देखिए ईजी तरीका ये है कि वो उसने आर्ट्स करना है एटलीस्ट उसने सिक्स बैंड लेना है सिक्स 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 तो लेना है कैनेडा के लिए मस्ट है जी ठीक है मस्ट इसलिए है कि इन्होंने कैनेडा uh, को डाला है एस टी में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में ठीक है तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपने एक तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि आपने में 6, 6, 6, 6, मतलब overall चारों में मतलब चारों लेना होता है 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 या आ, आकेड़, है? आकेड़ामिक 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 है? नहीं जर्म, जर्म भी चलता है, दोनों चलता दोनों चल जाते, दोनों चल जाते दोनों स्टड़ी स्टड़ी के लिए। जी स्टडी और यूनिवर्सिटी की आपने एक साल की फी पूरी पे करनी होती है पूरी वन ईयर की फी ये मांगते हैं गारंटी पढ़ने आ रहा है तो वो कितनी होती आ, आ, है रफली फीस जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी करता है कुछ का मतलब बैचलर्स प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम की फीस डिफरेंट होती ठीक है ठीक है ठीक है तो थर्डली जो है आपको एक यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है जिसको कहते हैं जीआईसी अकाउंट उसमें आपने एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने टेन थाउजेंड डॉलर होल्ड करने होते हैं है। वो भी एक तरह से आपकी गवर्नमेंट को आप गारंटी दे रहे आके आप यहाँ पे अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकेंगे तो वो भी आपको खुलवाना होता है वो को करना होता अकाउंट थीक, खुलवाना हो अकाउंट खुलवाना है जी ठीक है और वो आपको वो आपके अपने पैसे होते हैं बैंक आपको मंथली करके थोड़े थोड़े देता रहता है वापस लेकिन वो अकाउंट खुलवाना भी है आ, न, आ, इस इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी अलाउ है नॉन में अप्लाई करना ठीक है। लेकिन उसमें वीजा रेशो बहुत कम है अच्छा तो क्या आ, फर्क है अब नॉन एस डी एस और एस डी एस में क्या फर्क है एस डी एस में यही जो मैंने तीन चार चीजें बताई है कि आपको वन ईयर की फी पे करनी है आपको एड्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी है आपने जी एस सी अकाउंट खुलवाना है आपने मेडिकल करवाना है ये चीज़ें और जो दूसरा है उसमें आपने आप एक बस सेमेस्टर की फ़ी भी दे सकते हैं आर्ट्स का आर्ट्स के भी रिक्वायरमेंट नहीं है जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो मीट कर ली तो वो चल जाता है बैंक स्टेटमेंट लगा दे साथ अपनी जी अकाउंट ना खुलवाए

शो भी बहुत माशा से अच्छा चाह रहा है पोस्ट कोविड काफ़ी ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा आए हैं अच्छा जिमा पाकिस्तान से स्टूडेंट तो बेपनाह हमारे काबिल लोग पड़े हुए और लोग आना भी चाहते हैं लेकिन ये एक एकजम्पन है कि जी आपके पास बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास जो है वो पैसे इतने होने चाहिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी स्ट्रीम में दाखिला देखिए ये रिक्वायरमेंट तो है कि आपने फी पे करनी है एक साथ ठीक है और अगर जी आप खुलवा लेते हैं और वो एस टी एस की रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट शो करें अगर आपकी है तो हम एज अ सपोर्ट लगा देते हैं लेकिन अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो एक गारंटी आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं उनके लिए वो भी काफ़ी है उसकी बेस पे भी लोगों के अप्रूव हो जाते हैं अच्छा सीमा मैं पढ़ रहा था कि आप लोग कोई डेढ़ के करीब इंस्टीट्यूशन जो है कैनेडा में मौजूद उसको डील करते हो आप यूके को भी डील करते हो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को भी डील करते जी, हो तो अगर मैं कैनेडा की स्पेसिफिक बात करूँ तो पूरे कैनेडा में इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन को आप डील करते जी, हो क्या अपॉर्चुनिटीज देंगी आप क्लाइंट्स uh, को जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए देखिए मैं इस कंट्री वाइज तो हमेशा कोई भी मुझसे इवन दो कि हमें जो फाइनेंशियल uh, मार्जिन uh, है डिफरेंट कंट्रीज से बाकी कंट्रीज से ज़्यादा मिलता है लेकिन हम मैं फिर भी हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपने सिलेक्ट करना है तो आप कनाडा को सिलेक्ट करें बिकॉज ऑफ़ द कन्वर्जन पॉलिसीज़ और बिकॉज ऑफ द लीनियंसी और बिकॉज ऑफ़ द फैमिली री कि आपका स्पाउस भी आपके साथ आ, आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्पाउस भी यहाँ पे आपके साथ आ सकता है अच्छा तो आ जाता है ये भी ऑप्शन अच्छा। है हाँ जी अच्छा आप वो आ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट देता है साथ भी देता है और बाद में भी ठीक है, है। कि वो स्टडी करें और जो स्पाउस है वो काम करके को करें ये तो बहुत जबरदस्त बात हुई जी नाजरीन ये आपको कहीं दुनिया में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आप अगर स्टडी वीजे पे हैं आप बीवी हैं तो आपका हस्बैंड आ सकता है अगर हस्बैंड है तो उसकी बीवी यहाँ पे आ, है। है बीवी भी भी आ, सकती? आ, आ सकती है ऐसा बीवी भी आ सकती है बिल्कुल ऐसा आ सकती है और बच्चे भी आ सकते हैं इंडिपेंडेंट वीज़ा पे और मीन वैल वो जॉब कर सकते हैं और स्पाउस जो है वो आ, काम कर सकता है कैनेडा इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री फॉर इवन फॉर टेम्पररी रेजिडेंट्स तो इवन ड्यूरिंग कोविड इन्होंने बहुत ऑस्ट्रेलिया ने आप देखें क्या किया उन्होंने जो लोग बाहर थे उनको आ, दिया।, आने नहीं दिया।, आने नहीं दिया आने नहीं दिया अब जो कनाडा के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आने भी दिया और ऊपर से उनको फैसिलिटीज भी दिए उनको अकोमोडेट भी किया है हर तरह से उनका ख्याल रखा तो कैनेडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन अच्छा मैं, मैंने ये पिछले दिनों कहीं न्यूज़ देखी कि Canada's जो स्टूडेंट को है पहले कोई लिमिटेड आवर्स थे अब वो अनलिमिटेड आवर्स जी है? जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि ये भी कैनेडा गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया है कि दिसंबर 2023 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम जो है ना वो जॉब कर सकते हैं काम है। इसके साथ टी स्टडीज के साथ इसका रीज़न जो है ये भी है कि स्टूडेंट्स लीगली काम ना करें कनाडा में और टैक्स मनी इनकी सेव हो फिर ये भी रीज़न है कि इनके लेबर कुछ लेबर शॉर्टेज़ भी हैं पोस्ट कोविड तो उसको भी ये कवर करना चाहते हैं तो ये ये एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है लेकिन इसको भी स्टूडेंट्स को वाइजली यूज़ करना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं उनको लगता है कि हम बस अब पैसे बना सकते हैं तो वो फिर काम ही करें तो स्टडीज निगलैक्ट हो जाती है।, है। तो बैलेंस आउट करके चलना चाहिए अपने प्रायोरिटीज़ को अच्छा दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं मुझसे अक्सर जो है वो ये लोग पूछते हैं कि अगर उनका आइर्ट्स वो नहीं कर सकते फुलफिल नहीं करते रिक्वायरमेंट आर्ट्स की और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते लोग जनरली सवाल कर रहे थे यार मैं आर्ट्स नहीं कर सकता कोई तरीका बताओ मुझे फ़लाने ने बताया कि बिना आर्ट्स के भी एडमिशन हो जाता है क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इंग्लिश के बग़ैर स्टडी वीज़ा मुश्किल है कैडेडा का स्पेसिफिकली फिर आप दूसरी कंट्रीज़ का देख सकते हैं कुछ कंट्रीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है डा अच्छा, के लिए इंग्लिश जरूरी जरूरी है इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोई मैं डिप्लोमा दो साल का या तीन साल या चार साल की डिग्री कम्प्लीट करने के बाद कितने टाइम में यहां पे पी आर ले सकता हूँ हाँ तो इस बारे में भी जो है ना आपको जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं या डिग्री कंप्लीट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट देता है ठीक है आ, दो से तीन साल का आपका वर्क परमिट होता है और इस वर्क परमिट के दौरान ही आप अपनी पीआर की फाइल डाल देते हैं एक साल कुछ आ, एक साल जॉब करते हैं और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आपकी पी की फाइल चली जाती है कुछ आ, जो है ना प्रोविंस ऐसी हैं जो बड़ी लीनियंट है इस मामले में और जिनको जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बड़ा फोकस करती हैं और वो चाहती हैं कि वो स्टूडेंट्स वहीं पे रिलोकेट हों तो फिर वो उनको पी एन पी देती हैं इवन बिफोर द वन ईयर टाइम कि, कि वो क्योंकि वो वहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उन स्पेसिफिक प्रोवेंसेज के तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं कैनेडा के थैंक यू सो मच सिमाब हमने आज एजुकेशन के रिलेटेड यानी अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं तो आपको कनाडा में आने के लिए सिंपली क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है आपकी एक तो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए फिर उसके बाद आइड्स होना चाहिए फिर आपके पास फंड्स होने चाहिए अगर ये चीज़ें तीन चार आपके पास हैं तो बड़ी ईजिली आप कैनेडा आ सकते हैं लेकिन कैसे आ सकते हैं सिमाब साहब सर अब तक करेंगी क्योंकि आप डेढ़ सौ से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को डील करते हैं कनाडा यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो इनके पास जब आप आएंगे तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस आपको मिलेगी और आपका एडमिशन पूरे टाइम पे होगा आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप पैसे ज़ाया कर देते हैं तो आपको ये गारंटी है कि अगर आप प्रोविडेंट इमिग्रेशन और सिमा मीर साहबा के पास आएंगे तो आपको हंड्रेड आपका काम मिलेगा हमारे साथ रहिए और आप हमारे इस सेगमेंट को देखते रहिए क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़ी इंफ, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है सिमा आप दे रही हैं तो हम आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर गुफ्तगु करेंगे आप हमारे साथ रहिए